हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए पत्ता गोभी, बीन्स, हरा प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, न्यूट्रिला चंक्स, गाजर और मशरूम। मशरूम थोड़ा सा थिक कट कीजिए, मोटा थोड़ा सा कट कीजिए। देखिए मैंने इस तरह से मोटे मोटे कट की है, नहीं तो ये गल जाएगी तो पता नहीं चलती है, इसलिए थोड़ा सा मोटा कट कीजिए। मैंने ली है यहाँ पे एक ग्लास बासमती राइस। इस ग्लास से मैंने मेजर करके ली है एक ग्लास बासमती राइस। इसे 20 मिनट के लिए डिप करके मैं छोड़ दूंगी। मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाले हैं, 1 टीस्पून जीरा। जीरा को क्रैकल होने दूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ दाल, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग। सबको अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। 2 तेज पत्ता अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हरी मिर्च के बाद सबसे पहले मैं न्यूट्रिला डालूंगी, क्योंकि इसको भूनना बहुत जरूरी होता है, तभी टेस्ट अच्छी आती है। इसलिए मैं पहले न्यूट्रिला को भून ली हूँ। देखिए ब्राउन होने लगी है न्यूट्रिला हमारी। अब मैं डालूंगी मशरूम, इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, बीन्स, बीन्स डाल दी हूँ मैं। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज। और 2 मिनट के लिए इसे भूनूंगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए हल्की सी चार होने लगी है हमारी सब्जी, हल्का सा भुनने लगा है सब्जी, जिसकी जो पानी है वो सूखने लगी है। इस तरह से अगर हम पुलाव बनाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारे बच्चे सारी वेजिटेबल नहीं खाना चाहते हैं। और पुलाव ऐसी चीज़ है, उसमें आप जो मर्जी आपकी हो सारी वेजिटेबल डाल दीजिए और बच्चे आराम से खा लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी। टमाटर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। गाजर मैं जब पुलाव बनाती हूँ तो इस बात का ध्यान रखती हूँ कि सब्जी ज्यादा से ज्यादा हो और चावल कम हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 ग्लास चावल ली है तो उसके 2 गुने या 2.5 गुने मैं सब्जी इसमें डालती हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सबको मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्च का पाउडर मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि 2 हरी मिर्च भी मैंने डाली हुई है साबुत। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं, मेरे घर में बच्चे हैं, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए कम डाल रही हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ चना मसाला। चना मसाले का फ्लेवर पुलाव में बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी डालिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और मिक्स कर लूंगी सबको। पुलाव के साथ मैं चना मसाला यूज करती हूँ, क्योंकि उसकी फ्लेवर जो है हमारी सब्जियों को, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले हैं इसमें, तो चना मसाला सारी फ्लेवर को बैलेंस कर देता है। अब मैंने सब्जियां भून ली है और इसे कुकर में डाल लूंगी। आप डायरेक्ट कुकर में भी इसे बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब कुकर जल जाती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सब्जियों को पहले भून लेती हूँ फिर कुकर में सेट करती हूँ। अब हम अपनी चावल को भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे सबको ताकि अच्छी तरह से एक जैसा हर तरफ से मिक्स हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी,
जिस ग्लास से मैंने चावल डाली थी उसी ग्लास से मैं पानी भी डाल रही हूँ। दो ग्लास में थोड़ा सा कम है, 1 इंच कम है, तो इतना पानी डालिए, ये सही है इतना पानी, इससे ज़्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो हमारी जो पुलाव है उसके चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। मैं डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा जितना भी आप पसंद करते हैं। और इस पे मैं अब सबसे लास्ट में डालूँगी नींबू का जूस, 1 नींबू का जूस मैं इसमें डाल रही हूँ। नींबू के जूस से क्या होता है, एक तो हमारी जो फ्लेवर होती है वो बैलेंस हो जाती है, दूसरी जो हमारी चावल है वो बिल्कुल खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। कुकर में बस लिड लगाकर मैं 1 सीटी दिलाऊंगी और भेपर को रहने दूंगी। 1 सीटी दे चुकी है कुकर और भेपर अच्छी तरह से निकल चुकी है। देखिए मैं लिड खोल के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी बनी है हमारी पुलाव, एक भी चावल का जो दाना है एक दूसरे के साथ नहीं चिपका हुआ है, और ये नींबू के जूस की वजह से हुई है। आप भी नींबू का जूस जरूर यूज़ कीजिए। मैंने प्लेटिंग कर दी है, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, मैं घी नहीं डाल रही हूँ, ज़्यादा फैटी हो जाएगी, तो आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।